हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। स्टूडेंटपीडिया में आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ सेंट जेवियर कॉलेज की आर्ट्स के सिलेबस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका एंट्रांस क्लियर हो जाए। हर साल सेंट जेवियर कॉलेज एंट्रांस लेती है आर्ट्स के लिए, जिसमें से 700 से 800 स्टूडेंट या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें सीट्स 50% रिजर्व होती है एसटी और एससी के लिए। बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी और झारखंड के करंट से पूछा जाता है। और ज्योग्राफी में भी पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी में आपको ज़्यादातर झारखंड के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोडरमा किस लिए फेमस है, ज्योग्राफी के लिए किस लिए फेमस है। जैसे कोडरमा में आप जानते ही होंगे कि वहाँ माइका पाया जाता है, तो कोडरमा माइका के लिए फेमस है। और करंट अफेयर में आप झारखंड का देख लीजिएगा, अभी सीएम कौन है, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे आपका आसानी होगा एग्ज़ाम में। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। जैसे आपसे प्रिंसिपल की करेक्ट स्पेलिंग पूछ ली जाएगी, साइकोलॉजी की स्पेलिंग पूछ ली जाएगी, और इसी तरह हिंदी में भी विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द के अर्थ पूछ लिए जाते हैं। और क्वेश्चन उतना लेवल हाई नहीं रहता है, क्वेश्चन का लेवल एक तरह से देखा जाए तो मीडियम रहता है, जिसे आसानी से एक बच्चा निकाल सके या क्वालिफाई कर सके। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 50 होता है, जिसको आपको ओएमआर शीट में लिखना पड़ता है आंसर, वहाँ ब्लैक डॉट से करना पड़ता है। आप वहाँ ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। आपको 4 गलत करने पर एक माइनस मार्क्स मिलेगा एक मार्क्स का, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 50 रहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बनती है। सेंट जेवियर कॉलेज क्वालिफाई स्टूडेंट वाले को लिस्ट निकालती है, जिसमें जो अच्छे मार्क्स आते हैं जिसके उसको मॉर्निंग बैच में डाला जाता है, और जिसके ख़राब मार्क्स आते हैं या उसे सेकंड या थर्ड लिस्ट में निकाला जाता है, उसे इवनिंग बैच मिलता है। अगर ओवरऑल स्टडी देखा जाए या मार्क्स प्रीवियस ईयर के, तो सेंट जेवियर कॉलेज झारखंड का पहला कॉलेज था जिसका रैंक बहुत अच्छा था। सब बच्चे ने फर्स्ट डिवीज़न किया था और बहुत कम ही बच्चे फेल होते हैं इस कॉलेज से। आर्ट्स का भी फॉर्म अवेलेबल हो गया है फर्स्ट वीक ऑफ मई से, अगर आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म के बाद आपको एडमिट कार्ड भी उसी साइट पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भराएगा, ऑफलाइन की कोई सुविधा कॉलेज की तरफ से जारी नहीं है। अगर फॉर्म फ़ी की बात करें तो फॉर्म फ़ी है 800 से 1000 रुपये, और एडमिशन फ़ी आपका अलग कास्ट और कास्ट के हिसाब से अलग अलग रहता है। जैसे एसटी एससी की आपके रह जाती है 18,000 और ये 17,000 भी रहते हैं, गर्ल्स की कम लगती है और जनरल्स की सबसे ज़्यादा रहती है, ओबीसी की भी 600 या 700 कम रहता है। आपका सब्जेक्ट्स है आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं इंटरमीडिएट में, तो आप ज्योग्राफी नहीं ले पाएंगे। अगर आप ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री नहीं ले पाएंगे ये। और बात करें कि किस सब्जेक्ट को लेने में फ़ायदा है, तो मैं बोलूँगा ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का मिलता है, जो आसानी से मिल जाता है। वहीं बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको थोड़ा सिलेबस भी बड़ा है और याद करना पड़ जाएगा, और उसे कंफर्म नहीं रहता है कि 30 मार्क्स अलग से मिलेंगे या नहीं, क्योंकि उसमें आपको आंसर खुद से लिखना पड़ता है। आपका सेंटर यहीं रांची सेंट जेवियर कॉलेज में देगा, वहीं आपको जाकर एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।